देखिए आज मैं व्रत के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ। इसमें है 3 आलू बड़े साइज के काट लिए हैं, धनिया की पत्ती है, मिर्च है, जीरा है और 200 ग्राम मूंगफली है। इधर हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिए हैं, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी डाल दिए हैं, घी नहीं है तो रिफाइंड आयल डाल सकते हैं। सरसों का आयल मत डालिए। इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे और फिर हम मिर्च ले लिए हैं, मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें हम मूंगफली को डाल कर, मूंगफली हम डाल कर इसे पहले फ्राई कर लेंगे क्योंकि आलू में अच्छा से नहीं अच्छा होगा फ्राई। इसे हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे तब इसमें आलू डालेंगे। देखिए 2 मिनट फ्राई हो गया, इसमें अब हम आलू डाल देंगे। आलू डालकर इसे मिक्स कर देंगे। सिल्ला नमक खाते हैं तो डाल दीजिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। हम नहीं डालेंगे, हम नहीं खाते, हमारे यहाँ सिल्ला नमक नहीं है। और इसे चटपटा बनाने के लिए देखिए इसमें हम 4 लौंग ले लिए हैं और छोटी काली मिर्च ले लिए हैं और जीरा ले लिए हैं, इसे कूट लिए हैं। इसी तरह हम चला देंगे। गैस को मीडियम कर देंगे फ्राई करने के लिए। इसमें जो हम मसाले कूटे थे इसमें डालकर मिक्स कर दिए हैं। लौंग थी, गुल मिर्च, जीरा कूट लिए थे, डालकर मिक्स कर दिए हैं। आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं, नहीं डाले हैं। देखिए ये मटर कर रहे हैं, सॉरी, ये मूंगफली और आलू की ये व्रत के लिए हमारे खाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। आप भी इसी तरह बनाइए ज़रूर, नहीं उबालने के झंझट कोई नहीं है। बिना उबले हुए आलू को सिर्फ काट लीजिए और इसी तरह आप बनाइए। शिवरात्रि के व्रत पर इसी तरह बनाकर आप लोग भी खाइए। और आज शिवरात्रि है, मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।